ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। भारत आज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा है, जो देश की वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि को दर्शाता है। इस तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब भारत ने 2022 में G20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने प्रतिज्ञा की थी कि हम G20 को एक नई छवि देंगे। वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट एक ऐसा मंच बना गया है जहां हमने विकास पर व्यापक चर्चा की, मुद्दे और प्राथमिकताएं वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं, आशाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर भारत ने अपना G20 एजेंडा तैयार किया। G20 को एक समावेशी और विकासोन्मुख दृष्टिकोण के साथ संचालित किया गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वह ऐतिहासिक क्षण था जब G20 में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता मिली। तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया अनिश्चितता की जी रही है। युद्ध जैसी स्थितियों के हमारी विकास यात्रा में चुनौतियां बढ़ा दी है। हम पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, लेकिन हम स्वास्थ्य, भोजन और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद हमारे समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं और प्रौद्योगिकी में संबंधित आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। पिछले दशक में निर्मित वित्तीय संस्थान एवं सदी में आने वाले चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ साबित हुए हैं। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से तीसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले दो समिट में मुझे आप में से कई साथियों के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला। मुझे अत्यंत खुशी है कि इस वर्ष भारत में आम चुनावों के बाद एक बार फिर आप सबसे इस मंच पर जुड़ने का अवसर मिल रहा है। फ्रेंड्स, 2022 में जब भारत ने G20 अध्यक्षता संभाली तो हमने संकल्प लिया था कि हम G20 को एक नया स्वरूप देंगे। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक ऐसा मंच बना जहां हमने विकास से संबंधित समस्याओं और प्राथमिकताओं पर खुलकर चर्चा की और भारत ने ग्लोबल साउथ की आशाओं, आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं पर आधारित G20 एजेंडा तैयार किया। एक समावेशी और विकास केंद्रित अप्रोच से G20 को आगे बढ़ाया। इसके सबसे बड़ा उदाहरण वह ऐतिहासिक क्षण था जब अफ्रीकन यूनियन ने G20 में स्थायी सदस्यता ग्रहण की। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।